हम आपको उस खूबसूरत जगह पे ले आए हैं जहां आपको देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। ये गोंदिया जिले से मतलब गोंदिया स्टेशन से लगभग मोरगा और जूनी 80 किलोमीटर पड़ेगा और वहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर, मतलब गोंदिया से लगभग 100 किलोमीटर दूर नारगलिक तिब्बत के। ये बहुत खूबसूरत वादियों में है और यहाँ पे बहुत अच्छे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं और यहाँ पे उनके अनुयायी भी है। और आज हम पहुँचे हैं तो हम यहाँ के सीधे प्रेसिडेंट से बात करते हैं। जी बताएं कि कब से यहाँ रह रहे हैं और कौन सा टेम्पल है और क्या नाम है? वैसे तो हम लोग अभी यहाँ तिब्बत कैंप में रह के करीब 5-6 साल हो रहा है और उस टाइम में इतना जो टेम्पल था उस टाइम में हम लोग बहुत तकलीफ से गुजरा थोड़ा जो आज़ादी पाने के बाद, फिर धीरे धीरे ऊपर वाला और बुद्धा भवन का किया से अभी सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। और यहाँ पे दो बुद्धा टेम्पल हैं, एक है हम लोग तिब्बत सरकार का आगे में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और ये जो है यहाँ पे ये हम लोग का ही सेक्रेट का है। ये हम लोग का पूजा कैसे होती है? पूजा हम लोग का ऐसा रहता है कि सुबह शाम सुख शांति के लिए एक एक घंटा सुबह 5 बजे से चालू होता है 6 बजे का, तो रात का समय में अभी जो चल रहा है वो हम लोग का गेम हो या जितने भी दुनिया में जानवर पंछी से लेके इंसान है उन लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए पूजा रखा जाता है। आज भी आज भारत में आपकी देश की आदत होगी, आज भी देश की इच्छा है आज़ादी वाली? हाँ जी, इच्छा तो है। अभी आज़ादी मिलेगा तो हम लोग सबको खुशी लगता है, आज़ादी मिलेगा सोच रहा हूँ कि अभी मिलेगा। इंडिया में भी खुश हुए थे। देखिए बहुत खूबसूरती की बात है, बुद्धिज्म एक शांति का पैगाम है, लेकिन इंडिया में रह के भी बुद्धिज्म को बखूबी से करते हैं। हालांकि देश की इच्छा जरूर है लेकिन इंडिया में भी खुश है। हम चलते चलते बात करते हैं, आप नाम क्या बताए? मेरा नाम है संगीत सुपेल। संगीत सुपेल जी बनते जी हैं। हम चलते चलते बनते जी ये क्या चीज़ है? ये हम लोग का बुद्धिस्ट चक्र जो मान्य कर लोग बोलता है, क्योंकि कोई लोग अभी पूजा पाठ करके जो अंदर में पड़ता है तो करके धर्म कमा है, धर्म हो जाता है, तो किसी को पढ़ने जो नहीं आता है तो इसको घुमाया जाता है, इसको हम लोग माने लाकोर बोलता है, तो इसको हाथ से घुमाने से अंदर में पूरा पूजा का मंत्र जो है वो डाला हुआ है। तो इसके कारण से आगे बताइए ये शायद 12 हज़ार क्या कहें आप? यहाँ पे हम लोग का दो टेम्पल है, स्कूल है और मेडिकल टिबेटिन जड़ी बूटी का मेडिकल एक है, आयुर्वेदिक है और एक अपने मेडिकल मेडिकल स्कूल वगैरह स्कूल भी है। हाँ जी, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर वहाँ पे। तो स्कूल में गवर्नमेंट की स्कूल होगी? हाँ जी, तिब्बत गवर्नमेंट है और यहाँ पे सारी सुविधा है, राशन वगैरह स्कूल वगैरह बैंक वगैरह भी है। बैंक भी है। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ पे सेटलमेंट अधिकारी से बात हुई तब उन्होंने बताया था। अच्छा, यहाँ बैंक भी है, यहीं भी है। बहुत खूबसूरती से फूल सजे हुए हैं, आप लोगों ने पूरे मेहनत की है। ये सामने जो है क्या? ये हम लोग बुद्ध भगवान का जो फोर्टेन बोलते हैं स्तूपा, तो ये हम लोग का गुरु जब बीमार हो गया था उस टाइम में बड़ा गुरु दलाई लामा जी ने, तो गुरु को बीमार ठीक होने के लिए तो ऐसा वाला एक स्तूपा बनाना है, ताकि फिर ये स्तूपा बनाया हुआ है। और इस साइड पे जो है ये जो हम लोग को गुरु जब गुजर गया तो गुरु का याद करने के लिए गुरु का स्तूपा हम लोग को अंदर में गुरु का मूर्ति डाला हुआ है। यहाँ पे ये हाँ जी, ये जो मैं छोटे जो है ये लोग को अभी करीब यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म होने 8-9 साल लगेगा, 8-9 साल लगेगा, फिर उसके बाद कॉलेज जाना है। जो बुद्धा का जो भी शिक्षण जो है वो प्राप्त करने के लिए पहले यहाँ 8 साल। आ जाइए आप लोग, आ जाइए वेलकम वेलकम, उनको बुला लीजिए। क्या बोले शो मतलब क्या? तिब्बती में आ जाओ, तिब्बती में शो मतलब कम ऑन, आ जाइए शो आ जाइए। गणेश नाम है? अरे वाह क्या बात है। कितने छात्र छात्र हैं यहाँ पे? हम लोग का करीब 22 इतना है।
मुंबई आते हैं और ज़्यादा साथ इतना साउथ में कॉलेज में पढ़ रहा है। बाहर चले आ जाए, जब यहाँ का शिक्षण खत्म हो जाएगा तो और शिक्षण के लिए साउथ में जाएंगे, बड़ा कॉलेज है वहाँ। ये कितना बड़ा है, 12,000 एकड़ में यहाँ खेती वगैरह कर रहे हैं? हाँ, खेती भी है। अच्छा, इसके अलावा क्या पॉपुलेशन कितनी होगी, क्राउड कितनी? शायद पॉपुलेशन होगा 2,000 करीब होगा। मतलब ये जो घर है और यहाँ से लोग नौकरियाँ करते हुए बाहर जाते हैं? हाँ, नौकरी तो एक ही, हम लोग का यहाँ गुजारा करने के लिए एक साल में स्वेटर का एक धंधा है। अच्छा, स्वेटर के लिए जो बाहर जाते हैं दुकानें लगती हैं, तो तिब्बती केप वाले जो दुकान लगती है? हाँ जी। अच्छा, वो यहीं से निकलता है? हाँ, यहीं से निकलता है। और एक तरफ से एक एक घर में फौज में एक 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 बस। अच्छा, ये एक नई चीज़ में समझ में आई है कि जहाँ पे मतलब अपने रोजी रोजगार के लिए सोर्सेस है, लेकिन एक चीज़ और बता रहे अलावा हमारे कि यहाँ प्रति घर के पीछे एक व्यक्ति फौज में है। ये देश की सेवा के लिए भी, आपने नाम सुबह सुना होगा तिब्बत कैंप, ITBP जो अपने और भी जगह फोर्सेस लगी हुई है, उस फोर्सेस में प्रति घर से कोई ना कोई एक जवान है जो देश की सेवा के लिए मुकम्मल है और वो तैनात भी है। और यहाँ पे खेती भी होती है? हाँ जी, हम लोग का खेत है। हिंदी बोलता है क्या? हाँ, हिंदी इसको आती है। अच्छा, आप तो हिंदी आती है? हाँ, ये इंडियन ही है। आप इंडियन है? आप तो हिंदी बोलता है? हिंदी आपको सुनी थी? हिंदी या कुछ इंग्लिश? किसी हिंदी आती है आप में से? आपको आती है? आइए, वेलकम। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? अभी हम नया आए हैं। टीना टर्नर। अभी हम ब्रिटेन का हर जगह सीख रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अच्छा, आप कमर्शियल दूसरी पढ़ाई भी करते हैं जैसे स्कूल वाली है? बुद्धिज्म का है, एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन बुद्धिज्म के अलावा जो बाहर के एजुकेशन वो भी लेते हैं? हाँ जी, इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, मराठी वगैरह? मराठी नहीं है, मराठी में हिंदी आती है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या बोलेंगे भगवान बुद्ध के बारे में? भगवान बुद्ध के बारे में अच्छा ही हो, सब ठीक हो, सबके मंगल हो, सबके साथ मैत्री हो, है ना, प्रज्ञाशील करुणा, इसको क्या बोलेंगे कहते हैं प्रज्ञाशील करुणा को? अच्छा, चलिए, मैं आप प्रेसिडेंट हैं, आप बताएंगे कि प्रज्ञाशील करुणा जो अपन हिंदी में बोलते हैं, जो पाली भाषा में बोलते हैं, इसको तिब्बती में क्या बोलेंगे? हम लोग को अभी वही है कि जो अभी आपने बोला उसको हम सांगे गच्छो गिंदी, सांगे छो गिंदी, दो तीन होता है वो उसको। भले ही जबान अलग हो लेकिन मायने एक निकलती है। भंते जी भाई बोल रहे हैं कि जबान भले जुदा हो लेकिन मायने एक है, प्रज्ञाशील करुणा। ये प्रज्ञाशील करुणा के जो तीन मंत्र दिए हुए हैं भगवान बुद्ध के काल से चले आ रहे हैं, ये प्रज्ञा आप खुद की, मतलब जो एजुकेशन हो, शील मतलब जो आप नियमों में बंधे हो, और करुणा जो मैत्री होती है, शांति का प्रतीक होता है, ये उस काल से चला आ रहा है भगवान बुद्ध के काल से। और यही ऐसा मैत्री का एक संदेश पूरे भारत से पूरे वर्ल्ड में गया है, वो चाहे तिब्बत में गया हो, चीन में गया हो, नेपाल में गया, म्यांमार में गया हो, श्रीलंका में, तमाम में लोग अशोक सम्राट काल के बाद में बुद्धिज्म, और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्या बोलते हैं बुद्धिज्म का एक नया विस्तार किया। बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? हाँ, अभी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अभी हर देश में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ ने क्या क्या किया हुआ है, ज़्यादा से सब पढ़ाई करके अभी आया हुआ है, तो उसके बारे में तो सबको पता ही होगा, इतना पता नहीं। चलिए, मतलब बाबा साहब के बारे में भी बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक खूबसूरत वादियों में जो 12,000 एकड़ में जो विस्तार किया गया है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, जो तिब्बत कैंप और यहाँ पे जो लगते हैं, यहाँ पे बताया भंते जी ने कि यहाँ तमाम बुद्धिज्म के साथ और भी बाहर की पढ़ाई होती है, खेती होती है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी है, और यहाँ पे सेटलमेंट अधिकारी भी है, और भी तमाम लोग अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये बुद्धिज्म के वाला देख सकते हैं, मैत्री भावना में इन लोग डॉगी से लेकर हर चीज़ में वो परांगत हो रहे हैं। और ये निश्चित है कि इस देश से जो निकला है कि विश्व को युद्ध नहीं, विश्व को बुद्ध की ज़रूरत है। आज सारी जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, हालाँकि मैं कोरोना काल के बाद घूमने निकल आया था, और मैंने पहले बताया जहाँ जहाँ मैंने गया, और जहाँ जाने के बाद मैंने वो चीज़ें बताई प्राकृतिक से जुड़ने वाली, तो बुद्धिज्म भी प्राकृतिक से जुड़ने वाला है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था प्राकृतिक के बीच में हुआ था, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो भी प्रकृति में हुई थी, और भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था वो प्राकृतिक में हुआ था। तो निश्चित है कि कोरोना काल के बाद जब हम घूमने निकले, तमाम लोगों से जब मिला मैं, और निकलने के बाद वो नई स्फूर्ति और नया जो एक जोश मेरे में आया,
यहाँ टेम्पल में आया, मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी और उस फैमिली को भी दिखाना था कि बुद्धिज़्म जो है किस ओर जा रहा है, शांति की ओर जा रहा है। लोगों ने ये जो तिब्बत कैंप है वो है नॉर्गेलिंग तिब्बत कैंप, भंते जी बता रहे हैं, थोड़ा सा वर्डिंग में थोड़ा फंस गया था लेकिन ठीक है, भंते जी ने सुधारा, आपका शुक्रिया। और फिर मैं कहीं ना कहीं इस एरिया की कुछ चीज़ बताऊँगा, लेकिन इस पूरी खबर को जो दारो दमादार है, खबर नहीं, आप इसे देखें समझे और शांति का प्रतीक मान के आप तक पहुँचाने वाले हरीश और मैं अखिलेश।